नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। टीम इंडिया आजकल बदलाव के दौर से गुजर रही है, नए खिलाड़ियों को मौके दिए जा रहे हैं, भविष्य के कप्तान की खोज लगातार जारी है, पुराने खिलाड़ियों की छटनी हो रही है और इन सब की वजह है सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप। इस साल T20 वर्ल्ड कप का खिताब घर लाने के लिए टीम इंडिया हर संभव कोशिश में लगी हुई है। हाल ही में इंग्लैंड जैसी टीम को उसके घर में हराकर टीम इंडिया ने T20 सीरीज भी जीती है, जो टीम इंडिया की तैयारियों को और भी पुख्ता करती है। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप के बीच कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत की राह में रोड़ा बन सकती हैं। आइए बताते हैं आपको उन चीजों के बारे में अपनी इस खास रिपोर्ट में। नंबर एक, विराट रोहित की फॉर्म। इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। जब इनका बल्ला गरजता है तो विपक्षी टीम के बॉलर थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला काफी समय से ठंडा पड़ा हुआ है। न रोहित बड़ी पारी खेल पा रहे हैं, ना ही कोहली, और इसी वजह से भारत पिछले कुछ मुकाबलों में वो शुरुआत नहीं कर पाया जिसके लिए हाल के सालों में भारतीय टीम को जाना जाता रहा है। इनके फेल होने की वजह से सारा दबाव मध्यक्रम पर आता है और टीम बिखरने की स्थिति में आ जाती है। नंबर दो, श्रेयस अय्यर का फ्लॉप शो। मध्यक्रम में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले श्रेयस अय्यर भी आजकल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। श्रेयस को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में मौका मिला, जहां वो सिर्फ 28 रनों की पारी ही खेल पाए। इससे पहले उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में भी मौका मिला था, लेकिन वहां भी वो कोई खास कमाल नहीं कर सके। उस सीरीज में भी श्रेयस के बल्ले से मात्र 94 रन ही निकले थे। हालांकि मध्यक्रम में भारतीय टीम के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर तीन, सटीक स्पिन कॉम्बिनेशन की नहीं हो पा रही है तलाश। पिछली कुछ सीरीज में आपने देखा होगा टीम इंडिया ने लगभग आधा दर्जन स्पिनर्स को मौके दिए हैं। इसमें युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई जैसे स्पिनर्स शामिल रहे। इतने स्पिनर्स को ट्राई करने के बाद भी भारतीय टीम अभी भी इस बात का हल नहीं निकाल पाई कि उसे T20 वर्ल्ड कप में किस स्पिन जोड़ी को मौका देना चाहिए। हालांकि दिग्गजों का मानना है कि यूजी और जड्डू की जोड़ी सबसे सही साबित हो सकती है। नंबर चार, खिलाड़ियों के चयन में है बहुत कंफ्यूजन। हाल ही में भारतीय टीम में दिनेश कार्तिक की वापसी हुई, साथ ही दीपक हुड्डा को भी टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला। इन दोनों ने ही इस मौके का शानदार तरीके से फायदा उठाया। इन दोनों ही खिलाड़ियों की नजर वर्ल्ड कप खेलने जाने वाली टीम में जगह बनाने पर होंगी, लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना वास्तव में है नहीं, क्योंकि अभी केएल राहुल चोट की वजह से टीम से बाहर चल रही हैं। उनको टीम वर्ल्ड कप में जरूर ले जाने की सोच रही होगी। साथ ही संजू सैमसन, वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर्स भी टीम में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताएं।